Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today we will learn standard 8, unit number 2, mains relationship with animals. आज के यूनिट में हम सीखेंगे कि एनिमल्स के साथ मनुष्य का कैसा रिलेशनशिप होता है. So let's get started our unit. Activity number 1. Once there was an Arab who owned a very fine horse. एक टाइम पे एक अरब के पास एक fine horse था. The Arab treated him with care and kindness. वो अरब है वो ये horse को बहुत अच्छे से treat करता था. One day the Arab was attacked by some robbers. एक दिन क्या होता है कि अरब को लुटेरों ने लूट लिया. He fell off the horse. वो घोड़े पर से नीचे गिर गया. He was so seriously wounded that he was not able to get up. वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो उठ भी नहीं सकता था. His horse saw this. उसका जो घोड़ा है उसने ये देखा कि मेरा मालिक है वो जख्मी हो गया. He understood that his master was badly hurt. वो समझ गया कि मेरा मालिक है वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ. He seized his master belt between his teeth and brought him home. उसने क्या किया, उसके मास्टर के बेल्ट को अपने मुंह में पकड़ लिया और उसे घर पे ले आया, लेके आया उसके घर पे. People who saw this praised both the horse and his master. जो जो पीपल ने वो देखा उसने दोनों की प्रशंसा की, उस घोड़े की और उसके मास्टर की भी. So ये थे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नो द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप चेतक. राणा प्रताप के घोड़ा था चेतक, उसके बारे में आपको जानना है. किससे, अपने एल्डर्स जो आपके घर पे है उससे जानना है आपको कि महाराणा प्रताप के चेतक की क्या स्टोरी थी. मूव ऑन, एक्टिविटी नंबर 2, अ सीक्रेट फॉर 2. नाउ वी आर गेटिंग इनटू मेन यूनिट ऑफ आवर चैप्टर. Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big street like Prince Edward Street. अभी हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मॉन्ट्रियल सिटी है जो कनाडा का एक सिटी है, उसमें स्ट्रीट है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, और ऐसे ही स्ट्रीट है जो वाइड है और बिग है. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पियर ड्यूपिन. पियर ड्यूपिन है वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट को बहुत अच्छे से जानता है, उससे ज्यादा कोई इस स्ट्रीट को नहीं जानता था. पियर हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिली ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 इयर्स. 30 साल से पियर ड्यूपिन है वो यहाँ पे जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पे जो फैमिलीज रहती है उसको सबको मिल्क पहुँचाता है. ही वॉज One of the many milk wagon drivers that worked for a milk company. वो पियर ड्यूपिन है वो मिल्क कंपनी में काम करता है जो मिल्क वैगन ड्राइवर को अपॉइंट करता है. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by पियर was a large white horse and named Joseph. उसके साथ 15 साल से होश काम करता है, जो उसकी दूध की गाड़ी है मिल्क वैगन है उसे वो खींचता है, तो उसका नाम क्या है, जोसेफ. और वो दिखने में कैसा है, लार्ज एंड वाइट हॉर्स. व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी ही डिडंट हैव अ नेम. जब भी वो 15 साल पहले वो हॉर्स है वो मिल्क वैगन कंपनी में आता है तभी उसका नाम नहीं होता, उसके पास कोई नाम नहीं है. They told Pierre that he could use the white horse. ये मिल्क कंपनी ने पियर को बोला कि आप ये व्हाइट हॉर्स को यूज कर सकते हो. पियर स्ट्रोक द हॉर्स नेक एंड लुक इनटू हिज आईज. यहाँ पे न्यू वर्ड है स्ट्रोक, दैट मींस पैट. उसने हॉर्स की पीठ को पैट किया, थपथपाया एंड लुक इनटू हिज आईज, और उसकी आंखों में देख के बोला, दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड अ जेंटलमैन. ये घोड़ा है वो बहुत अच्छा है, काइंड है और जेंटल है. सेड पियर, आई
कि संत जोसेफ भी है वो भी काइंड थे और जेंटल थे. विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियर डी. एक ही साल में जोसेफ भी सभी मिल्क रूट को, जो उसका मिल्क रूट था वो भी वो जान गया जितना पियर जानता था. पियर यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन. He never touched them. यहाँ पे new word है rains. मतलब a long narrow leather band in horse mouth which is held by rider to control the horse. Means लगाम. जैसे हम लगाम बोलते हैं तो पियर क्या बोलता है कि मुझे उससे लगाम खींचने की जरूरत नहीं है. He never touched them. उसने मतलब कि पियर ने लगाम को कभी टच भी नहीं. Each morning, Pierre arrived at the stable of the milk company at 5 o'clock. Every morning, Pierre कहाँ पे आता है? Stable. Stable means a shed in which horses are kept. मतलब कि तबेला. तो सुबह 5 बजे early morning Pierre stable मतलब तबेले पे आता है. The wagon would be loaded and Joseph hitched to it. After that. सभी जो मिल्क कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स है वो सभी वैगन मतलब जो दूध की गाड़ी है उससे वो भरते हैं. एंड जोसेफ हिच टू इट. हिच टू इट मतलब हिच टू मतलब टू फिक्स विथ अ रॉक. और बाद में होर्स को मतलब जोसेफ को उस गाड़ी के साथ ज्वाइन किया जाता है. पियर वुड फॉल सॉफ्टली टू जोसेफ. गो ऑन माय फ्रेंड. पियर शांति से सॉफ्टली जोसेफ को बोलता है कि मेरे फ्रेंड मेरे दोस्त तू चल. एंड हिज स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट. यहाँ पे न्यू वर्ड है स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड मतलब एक्सेलेंट. ये इन दोनों की एक्सेलेंट जोड़ी है वो वुड स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट. स्टॉप मतलब वॉक इन अ प्राउड वे. जैसे कि वो प्राउडली चलते हैं दोनों वैसे वो स्ट्रीट की तरफ चलने लगते हैं. द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियर वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. ये जो गाड़ी है प्रिंस पियर की एक भी डायरेक्शन के बिना वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में दाखिल होती. द होर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस. जैसे कि पहले हमने देखा कि पियर ने क्या बोला था कि एक साल में जोसेफ इतना जान गया है ये प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट के बारे में कि जैसे पियर जानता है उसे उसकी लगाम खींचने की भी जरूरत नहीं होती. तो पहले घर पे जोसेफ स्टॉप होता है. अलाउ पियर परहैप्स 30 सेकेंड टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड पुट अ बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर. आफ्टर दैट पियर है वो 30 सेकेंड लेता है. किस लिए? कि वो वैगन से नीचे उतरे. गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट मतलब वो अपनी सीट से नीचे उतरे. पुट अ बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर. जो पहला घर है उसके घर के सामने वो बॉटल ऑफ मिल्क की बॉटल आगे रखे. अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन. आगे आगे हॉर्स चलने लगता है. स्किपिंग टू हाउस. एक पहला घर है उसके बाद दो घर छोड़ के वहां पे वो फिर से रुक जाता है. एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड. और तीसरे घर पे वो स्टॉप करने लगता है. यहाँ पे स्किपिंग है मतलब लीव आउट. सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो. जितनी लंबी स्ट्रीट है उतना वो दोनों चलते हैं. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. जैसे ही स्ट्रीट पूरी होती है तभी वो जोसेफ है वो वहां से मुड़ जाता है और अदर साइड स्ट्रीट की दूसरी साइड पे वो चलने लगता है. Yes, Joseph was really a smart horse. Yes, जोसेफ है वो स्मार्ट हॉर्स है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कहाँ पे रुकना है, कौन से घर को छोड़ देना है, कौन से कहाँ से चौन होना है, ये भी उसे पता है. At the stables, Pierre would boast of Joseph skills. और आगे क्या होता है कि जब स्टेबल पे तबेलों पे पियर आता है तभी वो जोसेफ
boast of means speaking excessively proud talk means uski badhai karna pierre wo stable man means kabile pe aake joseph ki na uske ki badhai karta hai i never touch the reins usne pehle bhi bola tha ki main kabhi uski lagam ko touch nahi karta he knows just where to stop use pata hai kahan pe stop hona hai why a blind man could do my job with joseph pulling the wagon wo itna smart ho gaya hai ki agar blind man hai jo andha vyakti hai agar wo bhi wagon ko chalaye to joseph hai wo apne aap wagon ko chala sakta hai so it went up for year aisa thode saal tak chalta hai Pierre and Joseph grew old together. दोनों साथ में ही old होने लगते हैं. But gradually, not suddenly. Pierre's huge, well-brushed mustache was pure white now. अब ये आगे क्या होता है कि वो old तो होने लगते हैं. वो समय जैसा-जैसा समय जाता है, वो उसकी age है वो बढ़ने लगती है. But और जैसे आगे उसकी एज बढ़ती है पियर की जो ह्यूज और वेलरस मुस्टाच है मूछे है वो पूरी वाइट होने लगती है एंड जोसेफ डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज सो हाई और जोसेफ को क्या होता है उसकी जो नीज है वो पूरी हाई वो नहीं कर सकता चेक इज द फोरमैन ऑफ द स्टेबल हियर न्यू बॉय फोरमैन अ मैन हु सुपरवाइज एंड डायरेक्ट अदर वर्कर जो मिल्क वैगन कंपनी में फोरमैन है जो अदर वर्कर को काम देता है वो उसे सुपरवाइज करता है ऑफ द स्टेबल नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड उसने कभी ये नोटिस नहीं किया कि जोसेफ एंड पियर दोनों ओल्ड हो रहे हैं अंटिल पियर अपीयर वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक एक दिन क्या होता है कि पियर है वो बड़ी सी छड़ी लेके चल के आता है तब तक उसने नोटिस नहीं किया कि पियर और जोसेफ दोनों ओल्ड हो रहे हैं हे पियर जेक्विस लाफ मे बी यू हैव गॉट द काउच है उसने क्या बोला मजाक उड़ाते हुए कि हे पियर मे बी यू हैव गॉट टू गाउट गाउट मतलब दिस इज दैट कॉज पेनफुल स्वेलिंग इन द जॉइंट्स मतलब उसे जॉइंट्स में पेन हो रहा है उसने क्या बोला कि आप तुम्हारे पैरों में अभी दर्द होना चालू हो गया लगता है यस जेक्विस रिप्लाइड द पियर अनसर्टेनली बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेस गेट टायर्ड पियर ने क्या आंसर दिया कि यस जेक्विस यू आर राइट बट जब मनुष्य ओल्ड होता है जैसे वो बढ़ता है वैसे उसके पैर भी थकने लगते हैं You should teach the horse to place the milk bottle at the front door of your custom. उसने मजाक जैकविस ने मजाक में क्या कहा कि तुझे होर्स मतलब कि जोसेफ को सिखा देना चाहिए कि आप तू मिल्क बोतल को भी कस्टमर के फ्रंट डोर पे रख दिया He does everything else for you. वो तुम्हारे लिए कुछ भी करे Here we finish first part of our lesson. I will send you a PDF and you have to solve it. Thank you very much. Have a nice day.